पंजाब दी सियासत च एक तो बाद एक भुचाल आ रहा हूँ। नवजोत सिंह सिद्धू वालों बादलों अते मौजूदा डीजीपी इकबाल प्रीत सिंह नूं लैके बेअदबी दे मामले ते मुख्यमंत्री नाल बैठक तो पहला एक होर ट्वीट किया गया, जिस नाल अखबार की एक खबर की फोटो भी जोड़ी गई है। सिद्धू ने लिखा है कि डीजीपी आईपीएस सहोता बादल सरकार समय बेअदबी मामले की जांच च एसआईटी दे मुखी सीगे। उन्होंने गलत तरीके दो सिख नौजवानों बेअदबी लिए दोषी ठहराया और उन्होंने तशद्दद की बादलों क्लीन चिट दे दी। अगे उन्होंने लिखा कि 2018 च मैं NIC मंत्री हाँ, उस समय की PCC प्रधान मौजूदा गृहमंत्री के नाल उन्होंने न्याय की लड़ाई च सहायता देण दा भरोसा जताया सी। इस मौके सिद्धू ने तत्काली मामले की एक वीडियो भी नाल जोड़ी है, जिसकी असी आवाज तुहानू सुनाउण जा रहे हैं। झूठ ते पर्दा पाण लई ठीक है जी, षड्यंत्र रचा गया ठीक है, और इन्हां दोहां भरावां नूं अगवा किया गया ठीक है जी, रुपिंदर ते जसविंदर ठीक है जी, पाइपोर्ट चक के लै गए, इन्हां नाल थर्ड डिग्री टॉर्चर किया ठीक है, और इन्हां नूं ये प्रेशराइज किया गया थर्ड डिग्री टॉर्चर नाल के ए भाई पंथप्रीत दा नाम लैण ठीक है जी, या किसे होर बंदे दा नाम लैण, करे कोई ते भरे कोई इन्हां दीआं लत्तां पाड़ियां गईआं, थर्ड डिग्री टॉर्चर किया गया, चार दिन सौण नहीं दित्ता, मूँह ते पानी पाउंदे रहे। मैं ठीक कह रहा हूं भाई, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं ठीक है जी, और उदू बाद इतने सरपंच बलदेव सिंह यह कि तेन 40 लाख रुपये दिने, तू साडे वाली खड़ा हो और झूठे नाल है, पर तुसी ये वेखो कि इन्हां दियां बलिदान जिहड़े इन्हां दे ने उन्हां दा मुल पिया। जिहे जे बीज अकाली दल वालिआं ने सुखबीर सिंह बादल ने और बड़े बादल ने बीजे सी, देख लो पुंगर के इन्हां दे सामने किवें आए। पापी के मारने को पाप महाबली है, और पारा भावें कोई लुके खाले कोड़ बन के फुटदा, ते अज वेख लो बाहर निकलने औखे होए पए आ इह। सो इना दे नाल अज असी गुफ्तगू भी की है, इन्हां नूं ये आश्वासन भी दिता है कि भाई तुहाडे नाल डट के खड़े हाँ, असी नहीं सारा पंजाब खड़ा है, और इन्हां दी ते इन्हां दे बजुर्गां दी एक ही मंग है भी जिहड़े दोषी ने उन्हां नूं सज़ा दिती जावे, और सारे पंजाब की जमीन फाड़ के आवाज़ निकलती है कि जिन्हां लोकां ने ये षड्यंत्र रचे, ये परपंच रचे, और गुरु साहब उन्हां दा स्वरूप पहला चोरी कीता फिर गलियां नालियां दे विच रोलिया, उन्हां तो वड्डा कोई दोखी नहीं, और उन्हां नूं सज़ा दिओ। ये इन्हां दी भी है मंशा और साडी भी मंशा है। सिद्धू तुसीं कह रहे हो सज़ा होनी चाहिए, हर कोई सज़ा मांग रहा, जस्टिस रणजीत सिंह की रिपोर्ट भी आ गई, सुखबीर बादल कहिंदा कि रिपोर्ट च बादल साहब का नाम किते नहीं, बदनाम किया जा रहा। एक गल सुनो, उन्हें पुछ कि DGP उन्हां दा सी की कहिंदा, हैलो भी रात बजुर्ग ने 2 बजे गल की, फिर 2:30 बजे गल की, 3 लाइना खोल के गल की, मनतार बराड़ नाल गल की, गगन बराड़ दे फोन तो उन्हें कहा हटाओ जी हटाओ। सर उत्थे पुलिस वाले ने यह गल कही कि भाई अमन मान नाल बैठे है, तो जे इन्हां नूं हटाउण दी कोशिश करांगे तो वायलेंस हो सकती है, लेकिन मन्निया हो ते मैनू एक गल दस, डैर ने गोलियां चलवाईयां सीगियां, जिन्हां ने गोलियां चलाईयां सी उन्हां नूं जिम्मेवार मन्निया कि जिन्हां ने चलवाईयां हो उन्हां नूं जिम्मेवार सी। मक्कड़ हुण कह रहे ते दुद्ध दा देखो ना, बासो कहिंदे उस टाइम नहीं बोलिया उस भाई अवतार सिंह मक्कड़, क्यों बीबी किरणजोत कौर सारा अकाली दल कहण लग गया, सारा अकाली दल ने आपदे लोक कहण लग गए, ओह तां कहिंदे असीं कीती सब कोट पेड़ वास्ते ते बैवलास नहीं कीती गल, इह वी कह रहे बाल साहब कह रहे। मेरी गल सुणो, सारा कुछ तुहाडे सामने रख देंगे, और एक गल नूं समझ लो कि जदों कोई प्रूफ की लोड़ ही नहीं रही, जदों इन्हां दे आपदे बंदे कही जाते हैं, फिर दूजी गल जे इन्हां नूं कोई इतराज़ सी, इन्हां दा आपदा ही सी जोरा सिंह कमिशन, जे इन्हां नूं कोई इतराज़ सी जोरा सिंह कमिशन तो या साडे वाले कमिशन तो जिहड़ा साडी सरकार ने बनाया, तो भाई अपना काउंटर पॉइंट रखण, सदन चो एक है सदन चो क्यों भजे, जे सदन चो भजे तो भाई हूं आ जाए मैनू बुला लैन TV के उत्ते, जे परखचना उड़ा दें तो मैं कह दें। सिद्धू सर जोरा सिंह रिपोर्ट की बार बार गल, जोरा सिंह रिपोर्ट के कहा गया है अनप्रोवोक्ड फायरिंग हुई, बिना किसी वजह के फायरिंग हुई, और बैठिया के गोली मारी,
ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਹੈ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਅਗਰੈਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵਾਇਲੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬੈਠਿਆਂ ਦੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਗਈ ਔਰ ਉੱਤੋਂ ਮਾਰੀ ਗਈ ਇਹ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਤੂੰ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸਾਲ ਸਵਾ ਸਾਲ ਬੈਠਾ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿਹਨੂੰ ਫੜਿਆ ਤੂੰ ਹੈ ਫੜਿਆ ਕਿਹਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੂਠੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਝੂਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਵਰਤਾਵਾ ਕੀਤਾ ਸਰ ਇੱਕ ਨਾ ਇਹ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਸਰ ਇੱਕ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆਈਐਸਆਈ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣੋ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੀਆਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪਰਦੇ ਫਾਸ਼ ਹੋਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੌਮ ਦੇ ਦੋਖੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੋਖੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡੇਢ ਸਾਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਸਾਲ 'ਚ ਕਰਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਕਰਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਰਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ